हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र। अगर किसी का तुरंत वशीकरण करना चाहते हैं या चाहती हैं, तुरंत, जी हाँ तुरंत ही, क्षण भर में, पल भर में किसी का वशीकरण करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो यह प्रयोग आप लोग के लिए है। यह प्रयोग युवक युवती से कुछ कोई भी कर सकता है। श्रद्धा भाव और विश्वास को आजमाना है, एक एक शिव को सुनना है, समझना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है। एक बात और, वशीकरण का प्रयोग जब भी करिए तो किसी को हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से कदापि न करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से प्रयोग करते हैं तो अच्छा नहीं है। जहां आवश्यकता हो, जिससे सच्चा प्रेम करते हो, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटें बढ़ गई हों, वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए इसका प्रयोग करें। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, एक इष्ट को सुनिए, समझिए। मंत्रों का, तंत्रों का, यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। यदि आप दुखित भाव से, अशांत भाव से, तनाव के माहौल में, निराशा की ग्रंथि को अपने अंदर ले करके आप कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आवश्यक है कि अपने अंदर प्रसन्नता का भाव लाएं, खुशी का माहौल लाएं, फिर कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप जब भी कोई प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके प्रति अपने मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, और जिसके लिए प्रयोग करने जा रहे हैं उसको अपने हृदय में स्मरण करना है। ये सोचिए कि वह आपका ही है, कहीं और जाएगा ही नहीं। उसके प्रति पॉजिटिव विचार रखिए, नकारात्मक भाव को मन से निकाल दीजिए। मंत्र के प्रति, अपने गुरु के प्रति, आराध्य के प्रति श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ, समर्पण की भावना के साथ आप प्रयोग करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी आप कोई मंत्रों का प्रयोग करने जाए तो एकांत कमरे का चयन कर ले, जहां कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग कर ले, कुश का आसन हो, कंबल का आसन हो, ऊन का आसन, कोई भी हो जो ऊर्जा का कुचालक है, उसका आसन का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रों को पहले रट लीजिए और जब भी आप बैठिए तो आपका मुख उत्तर या पूरब की तरफ हो। बैठने का भाव ऐसा हो कि कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। अंदर से खुशी का, प्रसन्नता का भाव लेकर के जाप करें। किसी माला का, माला रुद्राक्ष का हो, अच्छा रहेगा, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। सबसे पहले किसी एकांत कमरे का चयन कर लें जहां शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। आराम से बैठ करके किसी भी माला से मंत्रों का जाप कर लें, अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं, तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके आप प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें। यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि अपने घर बैठे हमारे माध्यम से अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करना, तो दिए गए नंबर पर आप अपना व्हाट्सअप करें। एक सूचना आपको मैं देना चाहता हूं, जो लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए या हमसे अन्य साधना सीखते हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर संपर्क करना है। हमारी सभी साधनाएं क्लास चालू हो चुकी है, सम्मोहन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, आगमन दर्शन साधना और अन्य कई प्रकार की साधना, वशीकरण साधना हम ऑनलाइन चलाते रहते हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ करके, हमारे टीम से जुड़ करके साधना सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम चलेंगे प्रयोग विधि पर। एक और आग्रह करूंगा, नंबर दिया गया है मगर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। तमाम फोन आने के चलते, अधिक फोन आने के चलते सबके कॉल अटेंड नहीं होते हैं। कॉल अटेंड नहीं होगा तो आप लोगों को कष्ट भी होगा। अतः मैं दोबारा अपने तमाम माताओं से, बहनों से, भाइयों से
आग्रह करूंगा कृपया हमसे संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अपना नाम, अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो, जो भी समस्या हो साफ आपने की, और अपने घर बैठे अपनी सभी समस्याओं का समाधान हमसे कराना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना फोटो, अगले का नाम, अगले का फोटो साफ साफ लिखिए। अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से, भारतीय साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो समाधान करने का प्रयास करूंगा। हम चलेंगे प्रयोग विधि पर। यहाँ पर एक मंत्र की आवश्यकता है, जरा मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र है ओम राम ह्रीम ह्रूम नरसिंह चेट की राम ह्रीम दृष्ट्या प्रत्यक्ष अमुकी मम बस्यम कुरु कुरु स्वाहा। पुनः सुन ले, ओम राम ह्रीम ह्रूम नरसिंह चेट की राम ह्रीम दृष्ट्या प्रत्यक्ष अमुकी मम बस्यम कुरु कुरु स्वाहा। विधि क्या है? इस मंत्र को रात्रि को 108 बार जपने से स्त्री तुरंत वश में हो जाती है, और स्त्री चाहते हैं किसी को पुरुष को वश में करना तो वो भी इसका प्रयोग करेंगे तो उसका वशीकरण हो जाएगा। मात्र इस मंत्र को 108 बार जप ले रात में, फिर देखिए चमत्कार, युवक युवती स्त्री पुरुष सभी का हो जाएगा वशीकरण, दौड़ करके आपके पास आएगा या पास आएगी। धन्यवाद। राम राम।